नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं पानसर की ओर से आने वाला हार्वेस्टर, जिसका मॉडल नेम 513 है। वीडियो में हम इसके सभी कंपार्टमेंट और भी अनेकों फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। राइट साइड से हार्वेस्टर के फुल लुक को देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है और पीछे में भी आपको इसमें लजार देखने को मिल जाता है। और ये इसका कटर बार असेंबली। इस हार्वेस्टर को चलाने के लिए कम से कम 55 HP या उससे अधिक का ट्रैक्टर इसमें यूज करना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड से भी आप पूरे इसके डिजाइन को देख सकते हैं। क्रॉप फीड एरिया को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और ये सब चैन, ये सभी चीजों को आप देख पा रहे होंगे। और इसमें ये होल्स की मदद से कटर बार लगाए जाते हैं। कटर बार को हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, जो कि पीछे इसके ट्रॉली में रखा हुआ है। और इसको ऑपरेट करने के लिए जो हाइड्रोलिक जैक है, इस तरह से बड़े साइज में दिया हुआ है। और यहाँ पर मल्टीपल होल्स के साथ में सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है, जो कि हार्वेस्टर को रोड में लाते ले जाते समय कटर बार को ऊपर करके आप उससे लॉक कर सकते हैं, जिससे कटर बार कभी भी अचानक से नीचे नहीं होंगे। और मान लो आपको कभी ये ट्रैक्टर को नीचे उतारना पड़ गया, तो उस कंडीशन में ये वाले जो टायर है ये तो ट्रैक्टर में लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में हार्वेस्टर के बॉडी को खड़े रखे होने के लिए यहाँ पे अलग से ये जैक दिया हुआ है, जिसको आप नीचे करके हार्वेस्टर को बड़े आसानी से बिना टायर की मदद से भी खड़े कर सकते हैं। फ्रंट में आप इसके बम्पर को देख सकते हैं, इसमें बड़े साइज में हेडलैम्प और ये रिफ्लेक्टर के साथ में इंडिकेटर स्लाइड भी लगाए हुए, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसमें 500 लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पर एक्सट्रीमली फास्ट का स्टिकर मिल जाएगा। आप ये कटर बार को देख सकते हैं, जो कि ट्रॉली में रखा हुआ है। इसमें स्टेनलेस स्टील का ऑगर यूज किया हुआ है। और इसके रील को भी देख सकते हैं। और ये कटर बार का वर्किंग विड्थ 3581 mm का दिया गया है। और इस कटर असेंबली को आप फील्ड में 55 mm से लेकर 1050 mm तक ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। और ये कटर असेंबली को देख सकते हैं, इसमें भी रिफ्लेक्टर लगाकर दिया हुआ है। और इस साइड से आप कटर असेंबली को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको खाली स्पेस मिल जाएगा, यहीं पर ही फीडिंग मैकेनिज्म को फिट किया जाता है। और ये पुली देखने को मिल जाता है, इसमें सिंगल पुली दिया गया है। कटर बार असेंबली के राइट साइड के ये सब पुली वगैरह और ये चैन के अरेंजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेफ्टी गार्ड भी दिया हुआ है। और ये ब्लेड्स वगैरह को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। और इसके ट्रॉली में 7/50/16 के टायर दिए हुए हैं। और इसके ट्रॉली को भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से टो किया गया है। हार्वेस्टर के बैक साइड के व्यू को देख सकते हैं, इसमें 513 इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा। ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, पीछे में आपको एक लाइट देखने को भी मिल जाता है। और यहाँ पर नंबर प्लेट के साथ ही साथ अलग से लाइट भी दिया गया है। चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं। इसमें 5 स्ट्रॉ वॉकर दिए हुए हैं, जो कि 3780 mm का लेंथ के साथ में आता है। और इसका विड्थ 235 mm का दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके जो क्रैंक शाफ्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पैक किए हुए हैं, जिससे इसमें कभी भी कोई कचरा वगैरह ना फंसे और कभी आग वगैरह लगने का भी संभावना बिल्कुल भी ना हो। और इसके सीव एरिया को देख सकते हैं, इसका टोटल एरिया 1.52 meter square का दिया गया है, जिससे इसमें फसल के दानों की सफाई अच्छे से हो सके। और ये पूरा अंदर को भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और ये नीचे के एरिया को देख पा रहे होंगे, हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाता है। स्पिंडल को देख सकते हैं, और इसमें सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक जैक के साथ में पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। और ये दूसरे साइड के व्हील को ऑपरेट करने के लिए ये रॉड दिया गया है। टायर साइज की बात करें तो इसमें 6/50/20 के टायर मिल जाएंगे। और इसके प्रोफाइल को आप देख सकते हैं। और ये लेडार को देख पा रहे होंगे, इसकी मदद से आप ऊपर चढ़ के ग्रैंड टंग वगैरह को देख सकते हैं। और ये सभी जगह पर ये पुली और ये बेल्ट वगैरह को देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह से दिया गया है। और इसमें आपको एयर कंप्रेसर भी मिल जाएगा, जिसमें आप एक पाइप लगाकर हार्वेस्टर की साफ सफाई बड़े आसानी से एयर के माध्यम से कर सकते हैं। और ये रहा इसका एयर टैंक। और इसमें 600 mm डायमीटर के साथ में 1235 mm विड्थ के साथ थ्रेसर ड्रम देखने को मिल जाएगा। और ये सब सेफ्टी गार्ड को देख सकते हैं, जो कि फाइबर का दिया हुआ है, सभी चैन वगैरह जगह पर। इसमें जो आपके दाने हो कटने के बाद आते हैं, और यहाँ से ये ग्रैंड टैंक में ऊपर जाकर स्टोर हो जाते हैं। और ये सब पुली वगैरह को देख सकते हैं, और ये स्प्रॉकेट और ये चैन को देख पा रहे होंगे, और ये नीचे के भी स्प्रॉकेट को देख सकते हैं। और ये सब पुली वगैरह कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है, और सब जगह वी बेल्ट यूज किए हुए हैं। और ये ब्लोअर वगैरह को भी आप देख सकते हैं, और ये पुली वगैरह कुछ इस तरह से दिया गया है। और ये लेफ्ट साइड के चैन को देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट इसमें मिल जाएगा। और इसका लेडर ऊपर में अभी रखा हुआ है, उसको आप नीचे कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में इसका बड़े साइज में टूल बॉक्स मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर भी सभी चैन और पुली वगैरह के लिए सेफ्टी गार्ड दिए हुए हैं। और यहाँ पर बरनाल पंजाब लिखा हुआ मिल जाता है। ग्रैंड टैंक को देख पा रहे होंगे, इसमें अफोर्डेबल ड्यूरेबल पावरफुल क्लियरेंस ये सब चीज लिखा हुआ मिल जाता है, हाईटेक लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और इसकी मदद से आप इसके ग्रैंड टैंक में स्टोर हुए ग्रेन को बड़े आसानी से अपने ट्रॉली या किसी में भी डाल सकते हैं। इसके कटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यह हार्वेस्टर मैक्सिमम 2 acres प्रति घंटा गेहूं की कटाई कर सकता है, और 1.5 acres धान की कटाई बड़े आसानी से कर सकता है। ऊपर ट्रैक्टर में बैठने के बाद हार्वेस्टर का लुक कुछ इस तरह से
आता है। और राइट साइड में आपको इसके कटर असेंबली को ऊपर नीचे करने के लिए अरेंजमेंट मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में ये दो लीवर मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप इसके कटर ब्लेड को ऑन ऑफ कर पाएंगे, और एक लीवर के माध्यम से इसके ग्रेन टैंक में स्टोर हुए ग्रेन को आप बड़े आसानी से खाली कर सकते हैं। और इसमें लगभग 635 केजी तक के धान आप स्टोर कर सकते हैं। और इसमें ये रहा इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर और ये पीटीओ लीवर। और ये वाला जो ट्रैक्टर है, यह महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 DII है। इस ट्रैक्टर का हमने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और इसमें फ्रंट टायर 16x28 के मिल जाएंगे, और ये रिम को देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। अगर आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास पानसर TDC 513 हार्वेस्टर है, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपने इसे न्यू परचेस करने का सोचा है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका टोटल लेंथ 3690 mm का दिया गया है। इसमें 1910 mm का वीड देखने को मिल जाएगा, और जो हार्वेस्टर बॉडी का हाइट है 2560 mm का मिल जाता है, और इसमें 430 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं इसमें प्रोटेक्शन के लिए अलग से ये लगाया गया है, और ये नीचे से आप पूरे डिजाइन को देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, और ये सब बियरिंग वगैरह को भी देख पा रहे होंगे। और केवल हार्वेस्टर बॉडी का वेट 4800 kg का दिया गया है। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिल जाता है आपको 513 में। और अगर आपके पास हार्वेस्टर है, तो कौन सा हार्वेस्टर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।